अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ हैदराबादी दलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने दलिया लिया है जो कि मार्केट में मिलता है, और 2 से 3 गिलास दलिया है ये। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम और कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए अच्छे से वॉश करके मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। 2 से 3 काली मिर्चें ऐड की है मैंने, एक दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चें और 2 लौंग, 5 से 6 कबाब चीनी ऐड करेंगे और 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पे 1 वज़ल आने दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 वज़ल लगा लें। देखिए दलिया कब चेक कर लेंगे। देखिए दलिया अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। मैंने यहाँ गोश्त लिया है, गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया है। हाफ कप दही लिया है, एक नींबू लिया है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे गोश्त में, काली मिर्चें 5 से 6, शाहजीरा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। मैंने इसमें कबाब चीनी 5 से 6 लिए हैं और लौंग 3 से 4 ऐड किए हैं और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, कुकर को गर्म कर लेंगे, ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। दो से तीन काली मिर्चें ऐड करेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे 1/2 इंच और 2 से 3 लौंग, 5 से 6 कबाब चीनी ऐड कर दें और 1/2 टीस्पून शाहजीरा ऐड कर देंगे। कटी हुई प्याज शामिल कर दें, एक तेज पत्ता ऐड किया है मैंने इसमें और 1 मीडियम साइज़ प्याज ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। देखिए का कलर कितना चेंज होने लगा है। अब हम इसमें मैरिनेटेड गोश्त ऐड कर, अब हम इसमें मैरिनेटेड गोश्त ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे। गोश्त को अच्छे से भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भून चुका है गोश्त। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे, कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे और लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पे 1 वज़ल आने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 वज़ल आने देंगे। देखिए गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है। मैंने दलिया को भी अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है और एक खुले बर्तन में ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसमें खोरमा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते जाएं, चम्मच चलाते जाएं और गैस की फ्लेम को हाई कर दें और इसको अच्छे से चलाते जाएं चम्मच और मिक्स करते जाएं। अच्छे से मिक्स होने देंगे और अब हम इसको घोटेंगे, मैश करेंगे। ऐसे ही आप घोटें और अच्छे से मिक्स करते जाएं। देखिए इसी तरह हमें घोटना है, 10 से 15 मिनट ऐसे ही घोटते जाएंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और घोटेंगे, मैश करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घोटेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और अच्छे से कुक कर लें। ऑयल ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, घोट देंगे, मैश कर लें। घी ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोट देंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब ये अच्छे से कुक हो चुकी है, दलीम रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे।
दलीम अच्छे से बन चुकी है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखिए अब हम इसको सर्व कर देंगे, हरा धनिया और पुदीना और ऊपर से थोड़ी अनियन ऐड कर देंगे और फ्राई किए हुए बादाम ऐड कर देंगे और सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ये दलीम ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।